दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपने स्मार्ट सोच की बिंदी चैनल, मैं हुसैन जी स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आप लोगों के काफी सारे कमेंट आते रहे हैं काफी दिनों से कि हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, 10, 20, 25, 50, 100, 200 वीडियोस डाल दिया बट उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? तो इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताइए, एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए, फिर देख करके बताइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, आखिर भी व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक्चुअली देखता भी हूं कुछ चैनल, बट कुछ चैनल छूट जाते हैं। तो एक्चुअली जो चैनल मैं देखता हूं सब पर एक ही टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूं जिसमें प्रॉपर तरीके से मैं समझा दूं, आप लोग प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में व्यूज आते कैसे हैं, YouTube का जो एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वो लोग ये कहते हैं कि YouTube जो है खुद आपके वीडियो को प्रमोट करता है। तो अगर YouTube वीडियो को प्रमोट कर रहा है तो आखिर में हमारी वीडियो को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है, हमारी वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है कि लास्ट तक आपको सोल्यूशन मिल जाए कि आप एक्चुअली आखिर गलती कर कहां रहे हैं, कि आप एक्चुअली आखिर गलती कर कहां रहे हैं ये आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं। और सब्सक्राइब होते बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर में व्यूज आते कैसे हैं, यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कैसे करता है। ये जब आप समझ जाएंगे तो आप जो है प्रॉपर समझ जाएंगे कि आप अपने चैनल में क्या गलती कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे तो जरूर जो है आप अपने चैनल को इंप्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर में व्यूज आते कैसे हैं। तो आप जैसे ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो जैसे ही अपलोड हुआ वो यूट्यूब के एल्गोरिथम में जाता है, तो जैसे ही गया तो वो वीडियो जरूर 1 से 2 से 3 लोगों को दिखेगी। स्टार्टिंग में चैनल बिल्कुल नया है तो भी 2-4 लोगों को जरूर दिखेगी, 10 लोगों को भी दिख सकती है। तो जब नया आपका चैनल है और 2-4-10 लोगों को दिखा और उस वक्त अगर वो थंबनेल देख करके आपका, यानी कि आपका जो वीडियो का कंटेंट है वो देख करके किसी ने भी, अगर 2 लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को पूरा देखा, पूरा नहीं भी अगर तो 80% से अगर ऊपर देखा, तो YouTube को ये लगता है, YouTube एक्चुअली कोई इंसान नहीं है वहां पर इस तरीके का, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर में इस टाइप की सारी प्रोग्रामिंग की गई है कि जैसे ही आप वीडियो को अपलोड करते हैं और 2-4-10 लोगों को दिखाएगा और जैसे उन 2-4-10 लोगों में से आपका कंटेंट पसंद आया, अगर फालतू का कंटेंट नहीं हुआ, अगर यूनिक कंटेंट हुआ, तो उनमें से 2 लोगों ने भी अगर देखा और उन 2 लोगों ने अगर उस वीडियो को 80% से ऊपर देखा, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम, यूट्यूब के सॉफ्टवेयर को यह पता लग जाता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ तो अच्छा है जो लोगों को इंगेज कर रहा है, लास्ट तक लेकर के जा रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो 10 की जगह पर अब वो फिर 50 लोगों के सामने लेकर के जाएगा। उन 50 में से 5 लोगों ने अगर देखा, 5 या 7, एक्चुअली एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा हूं, एक्चुअली मैं रूल्स बता रहा हूं कि इस तरीके से होता है। अगर 5 लोगों ने भी देखा तो अब वो उसको ये लगेगा कि हाँ ये वीडियो में वाकई दम है, ये वीडियो जरूर अच्छी है, तो अब जो है इस वीडियो को और प्रमोट करना चाहिए। फिर वो 1000 लोगों के सामने, 2000 लोगों के सामने, 20000 लोगों के सामने उस वीडियो को इसी तरीके से प्रमोट करता हुआ चलता है। लेकिन जरूरी है कि स्टार्टिंग में ही उन 2 लोगों को या 1 लोगों को अगर आपने अपने वीडियो, अपने कंटेंट के हिसाब से इंगेज करके रखा, तो अब अगर आप जो है वीडियो में थंबनेल कुछ भड़काऊ लगा दिया और वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो कुछ अलग है, तो लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि आपकी वीडियो ओपन करेंगे लेकिन उसे वो लोग देखेंगे नहीं, एक कुछ सेकंड के बाद ही या फिर 1-2 मिनट के बाद ही वो जो है वीडियो को स्किप करेंगे और छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा कि YouTube जो है उसको प्रमोट करना बंद कर देगा। हो सकता है कि कुछ व्यूज जल्दी आपको नजर आए, उस वीडियोस पर प्रॉपर व्यूज नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास वो गया उन सभी लोगों ने थंबनेल को देख करके क्लिक किया लेकिन उसको वॉच नहीं किया। जब वॉच नहीं किया तो YouTube ने प्रमोट नहीं किया, जब प्रमोट नहीं किया तो आपकी वीडियो बहुत लोगों
के सामने नहीं गई, यानी कि उस वीडियो पर प्रॉपरली इंप्रेशंस बहुत ही कम आया। तो आप जो है जैसे वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, तो उस वीडियो में स्टार्टिंग से ही आप जो है अपने व्यूवर्स को इंगेज रखने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा स्टार्ट कीजिए कि वो जो है आपकी जो बातों को सुनने के लिए लास्ट तक जाने की कोशिश करे, तब जाकर के आपकी वीडियो जो है रैंक कर पाएगी। इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी वीडियो जो है रैंक में आए, इसीलिए यूनिक वीडियो होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी पर अगर देखा जाए, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर कुकिंग से रिलेटेड है, तो सारे ही लोग कवर कर चुके हैं, चीजें वही होती हैं, बस आपके बताने का तरीका ऐसा यूनिक होना चाहिए, आपके प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा यूनिक होना चाहिए कि सारी वीडियोस को छोड़कर के लोग आपके चैनल को देखें, आपकी वीडियोस को देखें, ऐसा उनको महसूस होना चाहिए कि लोगों की बातें उतनी समझ में नहीं आ रही है, बट आप जो बता रहे हैं वो उन लोगों को समझ में प्रॉपर तरीके से आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जो वहां पर कंफ्यूजन थी वो भी आपने उनका कंफ्यूजन अगर दूर कर दिया तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नेक्स्ट भी वीडियो को देखना चाहेंगे। तो ये सब सारी बातें मैटर रखती हैं। और जो जो लोग आपकी वीडियोस देखते जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जब आप अपलोड करेंगे तो 100% YouTube जो है उन लोगों को आपकी वीडियो दिखाता है और उनके रिकमेंडेड लिस्ट में वो उन वीडियोस को डालता है। तो इस तरीके से आती है। तो जैसे ही आप वीडियोस को नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, या फिर जैसे मान लीजिए आपने किसी भी एक टॉपिक को आपने सर्च किया, सर्च के अंदर जितने भी जो सर्च रिजल्ट्स में आते हैं वीडियोस, अगर वीडियोस आपने देखा और उनके टैग से, उनके टाइटल से मिलता जुलता आपने अगर वीडियोस बना रखा है, तो या तो किसी नंबर्स पे आएगा, या फिर जब वो वीडियोस देख रहा है तो आपको साइड में देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं, मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो नीचे देखेंगे कि बहुत सारी सजेस्टेड लिस्ट में, यानी कि रिकमेंडेड लिस्ट में वीडियोस आ रही होती हैं, तो सारी इसका मतलब यह है कि आपने उसे मिलता जुलता वीडियो बना रखा है। तो अब यहां पर आपके वीडियो को क्यों लोग क्लिक करेंगे, आपके कंटेंट को क्यों लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड वो तो ऑलरेडी पहले वीडियो देख रहा है। तो अगर यहां पर आपका थंबनेल बहुत मायने रखता है, अगर आपका थंबनेल ऐसा हुआ कि आप भले ही उसी से रिलेटेड वो वीडियो देख रहा है, जरूर देख रहा है, लेकिन उसी के बगल में एक ऐसा आपका थंबनेल है जो काफी उसको अट्रैक्टिव कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जिस कंसेप्ट में वीडियो देख रहा हूं, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो देख रहा हूं, ये बगल वाली वीडियो लग रहा है कि इससे अच्छी जानकारी देगा, तो वो इमीडिएट उसको छोड़ करके वो आप वाले थंबनेल को क्लिक कर देगा। और अगर उसके अंदर कंटेंट अच्छा हुआ तो उसे जो है पूरा का पूरा वॉच करेगा और जो है उस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो आप जो है थंबनेल को बहुत विशेष महत्व दें कि थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको जरूर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद उसके अंदर कंटेंट जो हो उसको ऐसे तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि उसको जो है कम से कम 50% से ऊपर जाए, नहीं तो आपकी वीडियो रैंक नहीं कर पाएगी। तो ये सारे फंडे होते हैं जो आपको अपनाने होते हैं, बहुत ही जरूरी फंडे होते हैं ये सारे के सारे, जो यानी कि थंबनेल आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों को खींचने पर मजबूर कर रहा है आपके तरफ। तो इस तरीके का थंबनेल दीजिए, उसके अंदर कंटेंट ऐसा स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसके वजह से जब स्टार्ट में इंगेज हो जाएगा, उसमें अच्छी नॉलेज मिलने लगेगी जो आप देना चाहते हैं, तो आपके वीडियो पर वो लास्ट तक जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से जो है यूट्यूब जो है वीडियो को प्रमोट करता है। अब आप अपने चैनल को खुद देखिए और खुद जज कीजिए कि आखिर में कहां पर प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि YouTube का इंप्रेशन आप देख लीजिए, इंप्रेशंस कैसे देखेंगे इस पर मैं वीडियो बना रखा हूं, ऑलरेडी चैनल पर है, आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि आप जो है YouTube का इंप्रेशन, अपने व्यूज का इंप्रेशन, यानी कि अपने वीडियो का इंप्रेशंस कैसे देखेंगे। अगर आपके चैनल पर इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपके वीडियोस का इंप्रेशंस आ रहा है, इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने आपकी वीडियो जा रही है लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके थंबनेल में जान नहीं है, आपका थंबनेल सही नहीं है, आपका टॉपिक सही नहीं है, आपने थंबनेल पर जो लिखा है वो सही नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि लोगों के सामने जाने के बाद भी लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं।
आप भी ध्यान देंगे तो आप भी ऐसे ही करते हैं, जब भी YouTube पर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि थंबनेल किसका अच्छा है, थंबनेल में कुछ अच्छा लिखा हुआ मिला, कुछ बेहतर मिला, तो आप इमीडिएट जो है आप क्या करते हैं उस पर क्लिक करते हैं, और अगर उसके अंदर कंटेंट अच्छा रहा तो आप आगे तक देखते हैं, अगर कंटेंट सही नहीं रहा तो उसी पर स्किप कर देते हैं, दो चार गालियां भी देते हैं। तो इसी तरीके से सभी के साथ में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे कि आप एक्चुअली कहां पर गलती कर रहे हैं और आप उसको इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, और किस टाइप की वीडियो आप हमसे चाह रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें, मैं उस पर ध्यान दूंगा और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि काफी लोगों के पास पहुंचे और चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे, ताकि हम लोग सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम जो हमारे इस चैनल पर हैं, जो स्मार्ट सोच चैनल पर हैं, वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो यूट्यूबर्स ही होंगे। तो जब चैनल ग्रो करेगा काफी आगे जाएगा तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं मीटअप करेंगे, मिलेंगे और सभी चैनल्स को सामने लेकर के आएंगे, लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ताकि सभी लोगों का चैनल ग्रो कर सके। तो दोस्तों बार बार इस चैनल पर आकर के बार बार वीडियोस देखने के लिए और पूरी वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।